अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पाइथन कास्टिंग के बारे में। अब ये क्या होती है पाइथन कास्टिंग? इसमें हम अपने अल्फाज में या सिंपली ये कह सकते हैं कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। डेटा टाइप्स के हमने पिछले लेक्चर में कुछ डेटा टाइप्स देखे थे, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया और कम्प्लेक्स। तो अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कास्टिंग के रिलेटेड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप repl.it ओपन कर लें और उस पर आप एक repl क्रिएट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम स्लाइस इंटीजर इक्वल टू 10, ये हमने एक इंटीजर नंबर लिया है। और अब हम एक फ्लोट नंबर लेंगे, नम फ्लोट इक्वल टू 20.2 ले लेते हैं। और हम अब एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, स्ट्रिंग इक्वल टू इसके अंदर हम नंबर रख लेते हैं 100। तो अब इनकी डेटा टाइप, इनकी हम टाइप चेक कर लेते हैं पहले, जैसे कि प्रिंट टाइप नम इंटीजर, और आप इसे रन करें। आप ये देख सकते हैं कि नम इंटीजर इक्वल टू 10 जो हमने ली हुई है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और फ्लोट की प्रिंट टाइप नम फ्लोट, और दूसरे की जो टाइप है वो फ्लोट है, और तीसरे की टाइप नाम स्ट्रिंग। इसे रन करें और अब आप देख सकते हैं कि हमने तीन वैल्यू लिए, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। अब इनकी हमने टाइप भी चेक कर ली है, पहले की टाइप है इंटीजर और दूसरे की टाइप फ्लोट और तीसरे की स्ट्रिंग। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में। तो हम अपनी याद के लिए लिख लेते हैं, जैसे कन्वर्ट इंटीजर इनटू फ्लोट, इसे प्रिंट करवा, और देन फिर हम एक वेरिएबल लेते हैं वेल 1 इक्वल टू, और इंटीजर को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो उस जो तीनों वैल्यू हमने कन्वर्ट करनी है उनके लिए फंक्शन यूज़ होते हैं। फ्लोट के लिए फ्लोट फंक्शन यूज़ होगा, और जैसे फ्लोट के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेल वन फ्लोट फंक्शन, देन अब इसके अंदर हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है नम इंटीजर, अब इंटीजर को कन्वर्ट करने लगे हैं फ्लोट में। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नम इंटीजर, हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट वेल 1। इसे रन करके चेक करते हैं,
अब आप देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू लिया इंटीजर में वो 10 थी, और जब हमने कन्वर्ट करके वैल्यू सेव करवाई है इस वेरिएबल में और प्रिंट करके हमने देखा है तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है। अब इसकी टाइप चेक करके देखते हैं, पॉइंट प्रिंट फ्लोट में तो कन्वर्ट हो रही है, हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्लियर करने के लिए चलें हम इसे चेक कर लेते हैं। तो टाइप वेल वन, इसे रन करें और आप देख सकते हैं इसकी क्लास फ्लोट आ गई है। अब इसके बाद हम करते हैं इंटीजर को कन्वर्ट स्ट्रिंग में, तो उसके लिए मैंने बताया कि फंक्शन यूज होता है एच टी आर, ये वाला फंक्शन। तो प्रिंट कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग वेल टू इक्वल टू एस टी आर देन नम इंटीजर, इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट वेल टू और साथ ही हम इसके टाइप प्रिंट कर लेते हैं, टाइप वेल टू, और रन करके चेक करते हैं। अभी रन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर इक्वल टू 10 है, तो इंटीजर इंटू स्ट्रिंग। अब हमने जब वेल को में हमने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट किया है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, लेकिन हमने इसकी टाइप प्रिंट करवाई है ताकि हमें पता चल सके कि अब इसकी क्लास क्या हो गई है। तो इसकी क्लास अब स्ट्रिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, प्रिंट कन्वर्ट फ्लोट इंटू इंटीजर, तो इसके लिए वेल वन हम वेरिएबल लेते हैं और फ्लोट रख लेते हैं। अब फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए इंट फंक्शन यूज करेंगे, इंट ये वाला, और इसके अंदर हम वेरिएबल जो अब इस वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो जो सेव होगी वेल वन फ्लोट में, तो उसके लिए हम नन फ्लोट और इसको प्रिंट करवा लेते हैं वेल वन फ्लोट और साथ ही इसकी टाइप। और इसे रन करके चेक करते हैं, कन्वर्ट फ्लोट इनटू इंटीजर। अब फ्लोट वैल्यू जो हमने ली थी वो 20.2 थी और अब ये 20 हो गई है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है और इसकी क्लास इंटीजर आपको नज़र आ रही है। और साथ ही हम फ्लोट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, प्रिंट कन्वर्ट फ्लोट इनटू स्ट्रिंग वैल्यू फ्लोट इक्वल टू,
अब फ्लोट वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग फंक्शन होगा ये वाला, जिसमें हम वेरिएबल यूज़ करेंगे नॉन फ्लोट। और इसको प्रिंट करवा लें टू फ्लोट और साथ ही इसकी टाइप। टाइप फंक्शन यूज करके वेल टू फ्लोट और इसे अब रन करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, फ्लोट इनटू स्ट्रिंग। अब जो हमने ये वेरिएबल लिया है, अब इसको जो स्ट्रिंग हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसमें जब हम फ्लोट की वैल्यू रखेंगे तो ये जो फ्लोट की वैल्यू होगी कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में, वो सेव हो जाएगी इस वेरिएबल में और हम उसे अब प्रिंट करवा रहे हैं और साथ ही उसकी टाइप चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या वाकई ही फ्लोट वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रही है अपनी इसमें क्लियरेंस करने के लिए। तो रन करके चेक करते हैं, कन्वर्ट फ्लोट इनटू स्ट्रिंग। अब 20.2, तो यहाँ पे 20.2, अब इसकी जो हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं तो उसके बाद जब हमने टाइप का फंक्शन रन किया है तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट को कन्वर्ट कर चुका है ये स्ट्रिंग में। तो इसके बाद आप बाकी सेम इसी तरह आप चेक करें, कन्वर्ट करें स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये तीनों। एक मिनट, कन्वर्ट करना है आपने स्ट्रिंग टू इंटीजर में और कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट में, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।